वेलकम गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इस चैट ऐप को कंप्लीट करेंगे जो कि हम लोग पुशर की हेल्प से बना रहे हैं। तो जो है ना, अभी हम लोग जितना बना चुके हैं तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर अभी तक हम लोगों ने लॉगिन पेज बना लिए हैं, एंड कोई भी पर्सन है वो यहाँ पे आएगा एंड विदाउट अपना नाम फिल किए वो लॉगिन नहीं कर सकता है। तो जैसे ही लॉगिन के ऊपर क्लिक करेगा तो वो दोबारा से इसी पेज पे आ जाएगा। उसको क्या करना पड़ेगा, अपना नाम देना पड़ेगा तभी वो लॉगिन कर पाएगा। उसके अलावा अब दूसरा पर्सन है वो अगर डायरेक्ट उसको चैट वाले राउट पे जाता है, ठीक है, डायरेक्ट वो जाएगा तो उसको वो नॉट फाउंड मिलेगा। उसको यूजर नेम जो है ना वो एंटर करना ही है, ठीक है। तो ये दूसरा पर्सन है, इसने यहाँ पे ये एंटर कर, ये अपने चैट में एंटर हो गया है। अब आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने इसको कंप्लीट करना है। इसमें जो है ना एक फायर राउट बना हुआ है, ठीक है। वो किस तरह का है, यहाँ पे मैं स्लैश फायर लिखूँ ना एंड हिट एंटर करूँ तो ये राउट बना हुआ है। और ये राउट बेसिकली क्या करेगा, एक इवेंट फायर करेगा। और ये राउट पहले तो आपसे गेट करेगा, यूज़र नेम गेट करेगा और मैसेज गेट करेगा, और फिर उस यूज़र नेम और मैसेज को ना ब्रॉडकास्ट कर देगा कि इस बंदे ने ये मैसेज नया भेजा है। तो इस तरह से क्या होगा कि जो है ना न्यू जो मैसेज है वो सबको डिलीवर हो जाएगा। ओके, तो ये जो है ना इसको हम लोगों ने एजेक्स के थ्रू करना है, यानी कि हमारी जो चैट ऐप है ना ये क्या करेगी, एजेक्स के थ्रू सर्वर पे एक इवेंट को फायर करवा देगी। और फिर हमारे जो ये फ्रंट एंड है ना, इसमें एक लिसनर होगा जो कि लिसन करके मैसेज को डिस्प्ले कर देगा। अब जो मैसेज को डिस्प्ले करवाने वाला काम है वो लिसनर कर देगा, ठीक है। वो एजेक्स के थ्रू हम लोग नहीं करवा रहे, एजेक्स के थ्रू जस्ट हम लोगों ने सर्वर पे एक इवेंट को फायर करवाना है, दैट्स इट। और हम लोगों ने कुछ भी नहीं करवाना। और वो राउट कौन सा है, वो राउट ये वाला है। तो अब हम लोगों ने करना कुछ यूँ है कि हम लोग अपने रिसोर्सेज के अंदर जाएंगे और यहाँ पे चैट डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी के अंदर जाएंगे। और यहाँ पे जो है ना, जब भी यहाँ पे सेंड वाले बटन पे क्लिक होगा तो ब्रॉडकास्ट मेथड जो है ना ये कॉल होगा। ये ब्रॉडकास्ट मेथड कहाँ पे होएगा वो हम लोग यहाँ पे नीचे बनाएंगे। मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ और इस फंक्शन का ये मैंने नाम रख दिया है ब्रॉडकास्ट। और ये बेसिकली सबसे पहले क्या लेगा, सबसे पहले ये लेगा यू नेम, ठीक है, ठीक है। यूज़र नेम यहाँ पे वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, यूज़र नेम। एंड यूज़र नेम में हम लोगों ने क्या करना है, जे क्वेरी के थ्रू मैं सिलेक्ट कर लूँगा जे यूज़र नेम, आई थिंक इनपुट की आईडी है, एंड यहाँ से उसकी वैल्यू को मैं गेट कर लूँगा। एंड साथ ही साथ इसी तरह मैसेज एम एस जी, एंड ये एम एस जी जो है ये मैं भेज दूँगा। ये यहाँ पे मैसेज, आई थिंक यहाँ पे मैसेज ही मैंने टाइप करना है। यहाँ पे देख लेते हैं कि ये एक तो यूज़र नेम आ गया, दूसरा यहाँ पे आई डी चैट मैसेज। तो ये चैट मैसेज है तो यहाँ पे नीचे चैट मैसेज ही लिख देते हैं, चैट अंडरस्कोर मैसेज। तो ये दो चीज़ें आ जाएंगी। फिर हम लोगों ने क्या करना है, एजेक्स रिक्वेस्ट मारनी है। तो मैं डॉलर डॉट एजेक्स एंड इस फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करना होता है। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, तो URL दे देते हैं, बल्कि हेडर दे देते हैं, हेडर्स, ठीक है, हेडर दे दूंगा। और इसमें ऑब्जेक्ट पास करना होता है। अब ऑब्जेक्ट में क्या लिखना है वो हम लोग नेट से लेके आएंगे। यहाँ पे जो है ना हम लोग कॉमा लगा के नीचे आते हैं एंड URL दे देते हैं। URL में मुझे राउट ही दे देता हूँ, राउट फायर इवेंट, ठीक है, फायर फायर डॉट इवेंट। तो ये मैं एक राउट दे दूंगा एंड टाइप जो है वो मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, पोस्ट। एंड उसके अलावा डाटा मैं भेज रहा हूँ ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेरे पास यूज़र नेम है को मैं भेज रहा हूँ, यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम को मैं यूज़र नेम भेज रहा हूँ। और मैसेज को मैं भेज रहा हूँ एम एस जी। ओके, तो ये दो चीज़ें मैं भेज रहा हूँ। एंड देन सक्सेस, सक्सेस अगर हो जाती है, ठीक है, सक्सेस हो जाती है तो एक फंक्शन चलेगा, वो डाटा लेके आएगा, ठीक है। और वो जो है ना क्या होगा, बस ये चल जाए। इसके अलावा यहाँ पे अगर एरर आ जाती है, कि एरर में यहाँ पे हम लोग फंक्शन कॉल करवाएंगे उसमें एरर आ जाएगा, ये यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब राउट
जो है ना ये बना हुआ नहीं है, राउट बना हुआ है लेकिन उसका नाम सेट नहीं है। तो हम लोग जो है ना यहाँ पे जाएंगे वेब डॉट पी एच पी के अंदर, ये जो फायर इवेंट है इसके पीछे नाम वाला फंक्शन यूज़ कर देंगे और उसके अंदर ये चीज़ मैं पेस्ट कर दूंगा। एंड अब मुझे करना कुछ यूँ है कि जो हम लोगों ने इस पुशर कंट्रोलर के अंदर फायर इवेंट वाला जो फंक्शन बनाया हुआ है, तो इसमें जो ये यूज़र नेम है इसकी जगह पे मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट वाला यूज़र नेम पास करना है। मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट यूज़र नेम, रिक्वेस्ट के अंदर जो यूज़र नेम आ रहा है ना, यूज़र नेम वो, एंड इसी तरह ना रिक्वेस्ट के अंदर तो आ रहा है पेज, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मैंने यहाँ पे रख दी। एंड अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं ना इसको करता हूँ रिफ्रेश, यहाँ पे भी इसको कर लेता हूँ रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के साथ साथ ना मैं अगर यहाँ पे कोई भी मैसेज लिखता हूँ एंड सेंड वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये जो है ना ब्रॉडकास्टिंग वाला फंक्शन रन करेगा और डाटा भेजेगा। बट आई थिंक यहाँ पे जो है ना हमारे पास इशू आया होगा क्योंकि हम लोगों ने हेडर में ना कुछ सेट किया नहीं है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पे सेंड किया तो एजेक्स रिक्वेस्ट सेंड ही नहीं हुई बल्कि एरर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे जाते हैं, एरर क्या आ रहा है, सेंटेक्स एरर आ रहा है, टोकन ब्रॉडकास्ट मेथड इज नॉट डिफाइंड, ब्रॉडकास्ट मेथड नॉट डिफाइंड, ये कैसे हो गया। ब्रॉडकास्ट मेथड तो मैंने डिफाइंड किया है, फंक्शन फंक्शन का नाम, तो ये चीज़ क्यों नहीं हुई। एक बार जो है ना हम लोग पी एच पी आर इज ऑप्टिमाइज होंगे ऐसा कर लें, तो यहाँ पे पी एच पी आर टी रन ऑप्टिमाइज से लॉजिक एक्सेप्शन, यहाँ पे लॉजिक एक्सेप्शन भी आई है, तो ये कौन सी एक्सेप्शन है। अनेबल टू प्रिपेयर राउट चैट, अनेबल टू प्रिपेयर राउट चैट। अच्छा यहाँ पे पीछे जाते हैं, यहाँ पे भी हम लोग पीछे चले जाते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको दोबारा से ना लॉगिन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे यासिर से लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ फिलअप किया, फिलअप करने के बाद मैंने सेंड किया, यहाँ पे एरर आया ब्रॉडकास्ट मेथड इज नॉट डिफाइंड। तो ऐसा क्यों है, ब्रॉडकास्ट मेथड इज नॉट डिफाइंड ऑन क्लिक ब्रॉडकास्ट। अच्छा तो ऐसा करते हैं, अगर कोड की वजह से इशू आ रहा है ना या फिर ये सेंटेक्स पूरा नहीं है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं कमेंट ही कर दूँ तो फिर भी क्या ये एरर आएगा। यहाँ पे आते हैं, चेक करते हैं, टूल में आते हैं, यहाँ पे कुछ भी मैंने लिखा सेंड किया मुझे कोई एरर देखने को नहीं मिला। एंड यहाँ पे मैं इन दो लाइनों को अगर अनकमेंट कर दूँ तब भी मुझे कोई एरर देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पे मैं सेंड कर रहा हूँ तो मुझे कोई भी एरर देखने को मिल नहीं रही है। तो ये एजेक्स वाला इशू होगा। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि पी एस आर एफ टोकन इन एजेक्स ना, ये देख लेते हैं यहाँ पर सी एस आर एफ टोकन आर एफ टोकन, तो सी एस आर एफ टोकन ना वो जहाँ कहा सी एस आर एफ टोकन, ओके तो ये है हमारे पास सी एस आर एफ टोकन। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ ना ठीक है, यहाँ पे इसमें वो दिया नहीं हुआ, ऊपर मिला हुआ है, ओके यहाँ पे जो है ना इसको ये जो एजेक्स है वो अनकमेंट करते हैं। एंड यहाँ पे ना मैं पेस्ट कर दूंगा ये चीज़, और इसमें मुझे जो सी एस आर एफ टोकन है ना वो मुझे देना है स्ट्रिंग में, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आऊँगा और ये वाला जो है सिंगल कोट के अंदर मैं इसको रख दूँगा, और ये जो यूआरएल है ये भी मुझे सिंगल कोट में ही देना है, तो ये भी मैं सिंगल कोट में ही रख दूँगा। बाकी ये ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं ये तो ठीक ही हैं। एंड अब जाते हैं, अब आई थिंक कोई इशू नहीं होएगा। यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आके मैं कुछ भी मैसेज टाइप किया, यहाँ पे सेंड किया, अब जो है ना यहाँ पे इवेंट आ चुका है, जो भी मैंने यहाँ पे चीज़ लिखी वो यहाँ पे अलर्ट में मुझे शो हो रही है। मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो ये मैसेज मेरा यहाँ पे आ रहा है। अब मैं यहाँ पे कुछ और मैसेज कर लेता हूँ कि हाउ आर यू, ठीक है, एंड यहाँ पे सेंड करता हूँ तो ये भी जो है ना सेंड हो चुका है, तो हाउ आर यू यहाँ पे भी आ चुका है। तो अब दूसरे का मैसेज भी मुझे शो हो, लेकिन ये दूसरे का मैसेज ना अभी यहाँ पे सही से शो नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे नासिर से आता हूँ एंड यहाँ पे मैं एंटर किया एंड यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ,
एंड कर देता हूँ। तो ये एज ए नासिर गया तो है, ठीक है। यहाँ पे इसको इधर ही लगाते हैं। यहाँ पे देखो ना, ये यासिर ने जो दो मैसेज किए थे वो भी आए हैं, नासिर का मैसेज तो आया है लेकिन वो भी राइट साइड पे आया है। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले तो ये कर लेते हैं ना, एक बार जब मैसेज टाइप करके सेंड के बटन पर क्लिक कर दिया तो फिर जो है ये दोबारा से मैसेज नहीं दिखना चाहिए। इसके लिए जो है यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे ना कि अच्छा, अब ना हम लोगों ने यहाँ पे एजेक्स रिक्वेस्ट तो परफॉर्म कर ली है। अब यहाँ पे सिंपल ये करना है कि अगर जो है ना यहाँ पर इफ अगर तो यहाँ पे डाटा के अंदर ना जो यूज़र नेम है ना वो अगर इक्वल इक्वल टू होता है, इक्वल में चेक करना है इसके साथ ना, ये जो नीचे हम लोगों ने यूज़र नेम यहाँ पे आएगा तो ये यूज़र नेम तो हमारा फिक्स ही होने वाला है, तो ये हम लोग इस अलर्ट की जगह पे ना यहाँ पे आ जाएगा और इस यूज़र नेम से ना हम लोगों ने मैच कर लेना है। यहाँ पे ये मैच हो जाएगा और जैसे ये मैच होगा तो फिर क्या हो, फिर जो है ये आ जाएगा ये वाला मैसेज, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे हम लोग एल्स में क्या चीज़ कर देंगे, इसी को यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे मैं रख दूंगा, बट इसमें मैं ये करूँगा कि जो है ना यहाँ पे एन लिख दूंगा, आउट की जगह पे एन आ जाएगा। दैट्स इट, हमारा जो है ना ये चैट ऐप बन चुकी है। मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड यहाँ पर भी मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो ये हमारी चैट ऐप बन चुकी है। आई होप सो कि आप लोगों को जो है ना इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। बस मैं यहाँ पे आ रहा हूँ एंड मैं लिख रहा हूँ कि आई एम यासिर, ठीक है, यासिर। एंड मैंने जैसे ही सेंड के बटन पर क्लिक किया तो ये मैसेज आ चुका है। एंड जैसे ही यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे इसको नासिर शो हो रहा है, इसको यहाँ पे नासिर शो हो रहा है और इसको भी यहाँ पे नासिर शो हो रहा है। अच्छा, ये फिर यासिर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे ये बोलेगा कि नो यू आर नॉट यासिर, आई एम यासिर, ओके। तो मैंने इस तरह से मैसेज कर दिया, तो यहाँ पे मैंने सेंड किया तो ये यासिर कह रहा है कि नहीं तुम यासिर नहीं हो, मैं यासिर हूँ। तो इसका मैसेज यहाँ पे आया है और इसका मैसेज यहाँ पर आया है। तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है ना इस चीज़ की समझ में आ चुकी होगी ये हम लोगों ने किस तरह से किया। मज़ीद हम लोग जो है ना इसका एक ओवरव्यू वीडियो बना लेंगे नेक्स्ट, और उसके अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट ओवरव्यू दे दूंगा। तो अभी तक जो है ना ये हमारी ऐप बन चुकी है रियल टाइम इन्वायरमेंट के अंदर और दोनों के मैसेजेस यहाँ पे सेंड हो रहे हैं, ओके। तो पहले जो यूज़र था वो था नासिर ना, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर ना इस चैट की जगह पे ना चैट के साथ साथ हम लोग इस यूज़र का नाम भी डिस्प्ले करवा देंगे, जिससे ये पता चलेगा कि ये चैट किसकी है, ठीक है, तो कौन यहाँ पे एक्टिव यूज़र है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल में मियाँ वाली कोठा उसको सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।